पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज ये अजीत भाई की तरफ से और समर्पित एनजीओ की तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। उन्होंने अपने पिताजी की याद में आज उनकी पुण्यतिथि पे ये जो जन सेवा का काम किया, तो इससे लोगों को भी लाभ पहुंचता है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर टेस्ट भी हो रहे हैं तो कई बार नहीं जा पाती लेडीज़ हमारी, या कभी बुज़ुर्ग लोग हमारे परिवार से नहीं निकल पाते। तो जब अगर टेस्ट हो जाते हैं तो प्राथमिक तौर पर ही पता चल जाता है कि इस तरह की कोई बीमारी का है, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है, कोई बीमारी नहीं होती। एक बहुत अच्छा प्रयास है जन सेवा का, और इस तरह के काम भाई साहब सब लोग कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो आगे भी इस तरह के प्रयास होते रहें कि हम किसी भी पावन दिन में कोई ऐसा काम करें जिसका समाज को लाभ पहुंचे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समर्पण एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारी तरफ से जो भी भागीदारी होगी वो हम उस तरह से करेंगे। आज भी जैसे ये एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर में किया जा रहा है ये काम, तो जो भी होगा, क्योंकि समर्पण एनजीओ अपने आप ही जिन ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया कराती है और बाकी तरह से लगी हुई है काम में, लोगों के चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं, तो आज एक ये बहुत बड़ा काम है। और साधुवाद देती हूँ एनजीओ के सभी कार्यकर्ताओं को, ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने आज यहाँ पर इस और जो टीम यहाँ पर डॉक्टर्स की और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन सबको साधुवाद देती हूँ, और इसी तरह ये काम आगे बढ़ता रहे इसकी शुभकामनाएँ। ये समर्पित एनजीओ की तरफ से यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है, ये गुड्डू जी हमारे अपना हर वर्ष में दो तीन चार कैंप जो है ये हर तीन तीन महीने बाद कोई ना कोई कैंप लगाते रहते हैं। जो आसपास के जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने पर आपको मालूम ही है आजकल 500 रुपये 1000 रुपये 500 रुपये कम तो फीस है ही कहीं नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ 500 रुपये पहले फीस देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आने से फ्री चश्मे भी बांट रहे हैं, खून का जाँच, हड्डियों की जाँच, तो उसमें आदमी पता चल जाता है मेरे अंदर कमी क्या है, तो फिर आदमी अपना इलाज कराने की कोशिश करता है। तो मैं गुड्डू जी को बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते इतनी फीस देने के लिए, और ये हम उन डॉक्टरों से परामर्श करके उन हॉस्पिटल से बात करके यहाँ कैंप जो लगाया जाता है उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोग सामाजिक सेवक हैं, समाज की सेवा में 20 साल से तत्पर हैं, और समर्पित एनजीओ के थ्रू से हम काफ़ी कैंप लगवाते हैं। कोविड के टाइम पर भी हम लोगों ने 3 महीने रसोई चलाई थी, और ऐसे कैंपों के आयोजन करवाते रहते हैं जिसमें चश्मे का वितरण, टूथपेस्ट का वितरण, दवाइयों का वितरण, ये हम लोग कराते रहते हैं। आज हमारे पिताजी की 4थी पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में मैंने यहाँ नोटी में बुला रखी है डॉक्टरों की, जिसमें दांतों के भी डॉक्टर हैं, आँखों के भी हैं, हड्डी के भी हैं, फिजिशियन भी हैं, और आपका शुगर बीपी का भी डाइटिशियन भी हैं। मैं समर्पित एनजीओ से विनोद बोल रहा हूँ, यहाँ के अध्यक्ष हूँ, और हमने यहाँ आई के लिए सारे आई के हमारे मोतियाबिंद वगैरह ऑपरेशन भी कराते हैं, इसमें डेंटल के हैं, फिजिशियन है हमारे पास, और इसमें शुगर बीपी डाइटिशियन है, आर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, इसमें हमारे सारे मैक्सिमम जो आम ज़रूरतें होती हैं, चश्मे वगैरह प्रोवाइड कराना,
इसमें जो हमारे कैंप में मैक्सिस जरूरत होती, आई ड्रॉप भी लिए हमने आँखों के लिए, कि जहाँ बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी छोटी मोटी एलर्जी है, आई की ड्रॉप वगैरह है, कोई भी मेडिसिन मिले, डेंटल के लिए भी उन्होंने अब मेडिसिन वगैरह ला के रखे हैं, पेस्ट रखे हुए हमने, कि जहाँ पेशेंट कैंप में आता है तो कुछ तो उसे लेके जाए, दो चार घंटे डेढ़ घंटे ख़राब होते हैं बेचारे का, कहते हैं कुछ तो मुझे राहत मिले। तो ऐसे कैंपों में हमारी संस्था हर जगह पे खाना वगैरह बंटवाना है, राशन वगैरह का बंटवाना है, तो काफ़ी सारे जो हमारा डायग्नोसिस सेंटर भी चैरिटेबल काफ़ी सालों से चला रहे हैं इसी एरिया में शरद विहार में, तो ये हमारे रेगुलर कैंप हमारे चार संडे चलते रहते हैं। मैं समर्पित एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पहले भी ये लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते रहे हैं, इसी तरीके के कैंप चलाते रहे हैं, और आज भी इन्होंने पूरा बहुत अच्छे से आयोजन किया गया है। खाली नॉर्मल कैंप नहीं है ये, इसमें हर तरह की जांच की जा रही है, जो जो चश्मे बनवाना चाहते हैं उनको चश्मे भी फ्री दिए जा रहे हैं। तो मैंने तो पहले भी इनका देखा है, बहुत अच्छे से कैंप किए हैं इन्होंने, आज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी अभी स्टेशंस हैं उसमें आई की ज़्यादा दिक्कत है लोगों को, क्योंकि हमारे आजकल की जनरेशन में आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए, खान पीन हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी आँखों में बदलाव पहले बहुत लेट आते थे, अब वो बहुत जल्दी आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मोतियाबिंद, पहले लोगों को 50 या 60 की एज में आता था, अभी वो 40 तक भी आने शुरू हो गया है। पहले छोटे बच्चों को कोई भी चश्मा नहीं होता था, लेकिन पोस्ट कोविड हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा आँखों का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से दूर का नंबर आना शुरू हो गया, जिसको हम इंड्यूस मायोपिया बोलते हैं, और अगर उस चीज़ का इलाज ना कराया जाए तो वो परमानेंट चश्मे के नंबर में बदल जाता है। तो हमें इसी वजह से यहाँ पे आपको भीड़ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। सर देखिए, हरी सब्जी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फास्ट फूड वगैरह कम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं खाएं वो बहुत ज़्यादा बेटर है, वॉक पे जाना, दूर में देखना, ये सारी चीज़ें मदद कर सकती हैं उस चीज़ को रोकने में। सर देखिए, हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, जिनको चश्मे के नंबर की रिक्वायरमेंट है उनको चश्मा दे रहे हैं, जिन पेशेंट को दवा डाल के देखने की ज़रूरी है उनको दवा भी डाल के देखने के लिए हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पूरा डिटेल चेकअप होता है मशीन के थ्रू, तो हम वही पेशेंट का सिलेक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे भेज रहे हैं।